नमस्कार, आप देख रहे हैं अभियाजनता। भीम आर्मी में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट व जाति सूचक शब्द कहे गए। यह खबर मध्य प्रदेश की है और भीम आर्मी के कार्यकर्ता व आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता करीब 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और 6 अक्टूबर को जन आंदोलन का ऐलान भी किया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि मध्य प्रदेश देहात थाना भिंड में पुलिसकर्मियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और जाति सूचक गालियां भी दी गई। थाने में अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। आखिर इस मामले की शुरुआत कहां से हुई वो हम आपको आगे बताते हैं। एक दलित परिवार के साथ जातिवादी गुंडों ने मारपीट की गई, जिसकी शिकायत लेकर भीम आर्मी परिजनों के साथ थाना गए और शिकायत दी गई। पुलिस प्रशासन का कहना था कि यह शिकायत झूठी है, आप हरिजन आयोग जाएं। हरिजन शब्द का विरोध भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इस बात से गुस्से आए पुलिसकर्मियों द्वारा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और जाति सूचक गालियां दी गई। आइए सुनते हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। हम लोग एक घटना को लेकर थाने गए थे, तो मैंने टीआई साहब से कहा, टीआई साहब इस घटना पे आप संज्ञान लीजिए। राम बाबू टीआई उनके साथियों ने कहा आप हरिजन थाने जाइए, वहाँ पर आपकी सुनवाई होगी। मैंने पुनः कहा सर, ये हरिजन जो शब्द है यह जाति सूचक शब्द है, ये जाति सूचक शब्द गैर संवैधानिक शब्द है, ये गलत है। उन्होंने पुनः कहा आप वो हरिजन थाना है, तुम भी अर्जन हो, इसमें बुरा मानने में क्या बात है, तो वहीं जाओ, वहीं तुम्हारी कायमी होगी। इस थाने में तुम्हारी कोई कायमी नहीं होगी। याद जाना सीआई के द्वारा जब मैंने बार बार मना करने पर वो इस बात को डट गए और हमारे सभी लोगों के उपहार चुराकर हमारे साथ मारपीट करने लगे, अपराधियों जैसा व्यवहार करने लगे, गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ देने लगे और बहुत बुरी तरीके से लात भूसे से उनका पूरे स्टाफ ने हमारे साथ हमारे साथियों के साथ बेरहमी से मारपीट की। इसी घटना को लेकर 29 तारीख को मैं एसपी महोदय से मिला और एसपी महोदय को हमने आवेदन दिया, कहा इस पर कार्रवाई करो, ना तो भिंड एसपी के द्वारा ना भिंड कलेक्टर के द्वारा अभी तक कोई इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी संबंध में भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में 6 अक्टूबर को भिंड कलेक्ट्रेट पर समय 12 बजे से विशाल जन आक्रोश आंदोलन का आयोजन किया। 8 दिन हो चुके हैं हमारे साथियों द्वारा भूख हड़ताल पर, शासन प्रशासन के कानों तले जू नहीं देख रहा है और ये हमारी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। ये गूंगे बहरे हो चुके हैं क्योंकि इस जिले में अभी से नहीं, काफ़ी वर्षों से यहाँ पर जातिवाद का प्रकोप रहा है और जाति के आधार पर लोगों का शोषण किया जाता रहा है, इसलिए इस जिले को नीचा देखना पड़ा है। उसी के आधार पर आज जातिवाद जिले में चरम सीमा पर है, जो कि अभी देखने को मिला। रामबाबू टीआई देहात थाना भिंड, जिसके द्वारा हरिजन शब्द का बार बार उपयोग किया गया, जबकि हमारे चंबल संभाग प्रभारी नरेश मोदी द्वारा चेताया गया कि आप इस असंवैधानिक हरिजन शब्द का उपयोग ना करें, जो कि ये संवैधानिक रूप से गलत है और इससे हमारे लोगों को, दलित समुदाय को, बहुजन समुदाय को ठेस पहुंचती है। फिर भी बार बार उसको उपयोग किया गया और हमारी भावनाओं को अहित किया गया, उनके साथ खेला गया। इसलिए मैं और मेरे समाज के सभी साथी और संगठन के सभी साथी शासन प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि ऐसे टीआई को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और इसको सबक सिखाया जाए कि आइंदा असंवैधानिक शब्दों का कोई उपयोग ना करे। हरिजन शब्द एक असंवैधानिक है। इसके अलावा करीब 8 दिन से जहाँ पे भूख हड़ताल पर सही बैठे हैं, मांगे एक भी नहीं मानी गई है, ना उन पर किसी प्रकार का काम किया गया है। इसी तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि करीब 1 महीने होने हुआ हरपुरा गांव में दलित और बहुजन समाज कुशवा समाज के लोगों के साथ मारपीट की गई 2 बार और 2 बार उन लोगों पर राजेश महेंद्र द्वारा और उसके गुंडों द्वारा बट से पीटा गया। उन लोगों पर 2 बार झूठी FIR की गई, मुकदमे किए गए। जब ये लोग हमारे समाज के लोग दलित बहुजन समाज के लोग जब थाने में गए, कुशवा थाना अध्यक्ष ने इन्हें भगा दिया ये कहकर कि आप झूठी FIR लिखाते हो, बार बार आ जाते हो, तुम्हारा कोई काम धंधा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ और चेताना चाहता हूँ इस थानाशाही प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, कि होश में आ जाओ, अभी वक्त है
समझ जाओ अन्यथा इसका परिणाम बहुत गलत होगा, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। यदि संविधान को हम नहीं मानते तो उसका सबक हम देना जानते। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। 6 अक्टूबर को आने वाले जन आंदोलन होगा, संवैधानिक रूप से पूर्ण रूप से होगा। इसमें जन आक्रोश लेनी जरूर होगी, लेकिन असंवैधानिक नहीं होगी। यदि उसमें कुछ भी होता है तो शासन और प्रशासन गवाह होगा, उसका उत्तरदायी शासन प्रशासन होगा। व्यवस्था को कायम रखें।